नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग की हरी झंडी के बाद पीएम मोदी ने की मन की बात। आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर देश के छात्रों को किया संबोधित। कहा, अंक से ज्यादा जानकारी जरूरी, परीक्षा जीवन की कसौटी नहीं। हरियाणा में जाट आंदोलन आज से, प्रशासन सतर्क। रोहतक, सोनीपत समेत राज्य के कई हिस्सों में धारा 144 लागू, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात। ट्रंप को मुस्लिम देशों का जवाब, अब ईरान लगाएगा यूएस पर बैन। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ट्रंप के फैसले की आलोचना। कहा, अमेरिका से दूर होगी प्रतिभा। फिल्म पद्मावती विवाद पर बोले पहलवान योगेश्वर दत्त। कहा, इस गौरव गाथा से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जा सकती। पद्मावती की शूटिंग के सेट पर करणी सेना ने संजय लीला भंसाली पर किया था हमला। भंसाली पर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। और भारत इंग्लैंड के बीच नागपुर में दूसरा T20 मैच आज। टीम इंडिया के लिए भाग्यशाली नहीं रहा है नागपुर का मैदान। पहला मैच जीतकर 1-0 से सीरीज में आगे है इंग्लैंड। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।